हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुबोध मूलचंदानी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। सो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस लाइन। तो जैसा कि अपन रोलिंग लोड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि रोलिंग लोड्स क्या होते हैं। रोलिंग लोड्स वो होते हैं जो वेरिएबल लोड्स होते हैं, जो अपनी पोजिशन चेंज करते रहते हैं पूरे स्पान के ऊपर टाइम के साथ। तो इन्फ्लुएंस लाइन भी उसी से रिलेटेड है। जो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम अपन बनाते हैं उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब यहाँ डेफिनेशन पे एक बार बात करते हैं। तो इन्फ्लुएंस लाइन क्या है? व्हेन द अप्लाइड लोड इज़ नॉट फिक्स दैट इज़ मूविंग, वी यूज़ इन्फ्लुएंस लाइन टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ मूविंग लोड एट अ सिंगल पॉइंट एज द लोड मूव्स अक्रॉस द बीम। तो इन्फ्लुएंस लाइन क्या है यहाँ पे, कि जब अपना किसी भी बीम के ऊपर मूविंग लोड लगता है जो फिक्स नहीं होता है, तो इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो इन्फ्लुएंस लाइन जो होती है वो क्या डिटरमाइन करती है कि उस मूविंग लोड का एक सिंगल पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब वो लोड मूव करेगा उस अक्रॉस द बीम। तो वो जो होता है वो डायग्राम, वो इन्फ्लुएंस लाइन कहलाता है। तो इन्फ्लुएंस लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इन द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर दैट रजिस्ट द मूविंग लोड। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइंस, यहाँ देखिए क्या है एक्चुअल में। तो जैसे कि आप सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हैं एक, तो यहाँ पे जब लोड अपना, ये अपना अलग अलग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है एक यूनिट लोड मानते हुए। तो जब अपना यहाँ पे लोड है, आरबी के लिए इन्होंने बनाया है कि आरबी पे वन यूनिट लोड जब आता है तब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इस तरह से होगा, फिर आरए पे होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डायग्राम बनता है, इसके लिए कोई कुछ ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वो आगे अपन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन क्या है? एन इन्फ्लुएंस लाइन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द रिएक्शन शीयर मूवमेंट और डिफ्लेक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ मेंबर एज अ कंसेंट्रेट लोड मूव्स ओवर द मेंबर। तो इन्फ्लुएंस लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो जो डिफरेंट अपनी रिएक्शंस हैं शीयर मूवमेंट का वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, कि उस पॉइंट पर उसका क्या वैल्यू है जैसे जैसे लोड अपना आगे बढ़ेगा। तो इन्फ्लुएंस लाइन दे प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग हाउ द रिएक्शन शेयर मूवमेंट डिफ्लेक्शन इन अ गिवन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर वेरीज एट द अप्लाइड लोड। वही सेम चीज़ है। तो इन्फ्लुएंस लाइन वर्सेस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो अपन देखते हैं। तो क्या दोनों के कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन रिप्रेजेंट द अफेक्ट ऑफ अ मूविंग लोड ओनली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ मेंबर। इन्फ्लुएंस लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो सिर्फ किसका अफेक्ट करती है, मूविंग लोड का अफेक्ट किसी एक पॉइंट के ऊपर दिखाएगी मूविंग लोड के लिए। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट द अफेक्ट ऑफ फिक्स्ड लोड एट ऑल पॉइंट्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि इन्फ्लुएंस लाइन जो है सिर्फ मूविंग लोड के लिए है रिप्रेजेंट करती है लोड का अफेक्ट, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है फिक्स लोड के लिए उसका अफेक्ट शो करता है। अब मेथड क्या है प्रोड्यूसिंग इन्फ्लुएंस लाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सब इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए। टेक अ मूविंग लोड ऑफ वन यूनिट वेट, ठीक है। सबसे पहले अपन को मानना है कि किसी भी बीम पे एक यूनिट वेट का मूविंग लोड है वहाँ पे। सेलेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेयर रिएक्शन शीयर मूवमेंट और डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको रिएक्शन शीयर या मूवमेंट चाहिए, निकालना चाह रहे हैं आप जिस पॉइंट पे। प्लेस द मूविंग लोड एट वेरियस पॉइंट एंड यूज स्टैटिक प्रिंसिपल टू फाइंड द रिएक्शन शीयर मूवमेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है, मूविंग लोड को आपको किसी पॉइंट पे प्लेस करना है, और उस पॉइंट पे आप जैसे रिएक्शन नॉर्मल निकालते हैं, शीयर निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं, उस तरह से आपको
निकालना है सिंपल, जो पहले तरीके आपको पता है, सिंपल रिएक्शंस फाइंड करके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने वाला है। प्लॉट द वैल्यूज़ ऑफ रिएक्शन शियर मोमेंट ओवर द लेंथ ऑफ बीम कंप्यूटेड फॉर द पॉइंट अंडर द कंसिडरेशन। अब आपको जो वैल्यूज़ हैं रिएक्शंस की, शियर की, मोमेंट की, उसको प्लॉट करना है उसकी बीम की लंबाई के ऊपर। फिर मेक लाइफ ईजियर फॉर स्टेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यू गेट स्ट्रेट लाइन ऑल्दो द लाइन स्लोप में चेंज एज द लोड पासिस ओवर की पॉइंट। ठीक है, जो स्टेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तब ये आप डायग्राम इससे समझिए आप।